सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ लोग महान लक्ष्य को पूरा करने का सपना देखते रहते हैं और अन्य लोग जाकर उसे पूरा करते हैं। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी मंजिल तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आज का पंचांग 31 जुलाई 2022 दिन रविवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सुबह 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 2:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:27 से 7:05 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मकर राशि 31 जुलाई 2022 दिन रविवार, आज के दिन बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत सारे काम कतार में हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचकिचाए, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत ही उचित रहेगा। घर की व्यवस्था उचित रहेगी। राजनीतिक और सामाजिक दायरे को विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा। लोगों के आपके ऊपर बनी हुई नाराजगी को दूर करने के लिए आज प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के साथ संवाद सुधारने की कोशिश करें। मन में उत्पन्न हो रहे विचार को ठीक से परख कर बोलना आवश्यक होगा। गुस्से पर काबू करें लेकिन अपने अंदर नकारात्मकता ना बढ़ने दें, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। महिलाओं को काम से संबंधित तनाव महसूस हो सकता है। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र से दूर रहें। अपनी भावनाओं को पार्टनर के सामने प्रकट न करने की वजह से अकेलापन महसूस हो सकता है। महिलाओं को सेहत के लिए जागरूक रहना भी होगा। सावधानियां, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपकी मान हानि और अपमान का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया और व्यर्थ के कारणों से हटकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण होगा। बेहतर होगा कि दूसरे का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना पड़ने दें। आप जितने भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये समय अपने कृतज्ञों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाए। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उनसे संपर्क साध सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियाँ बनाते हुए न्याय संगत निर्णय लें ताकि आप बेहतर नीतियाँ बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। अपने दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प लेके आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाएं तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं। लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ ना डालें। एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पीने की कोशिश करें। हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।